डॉल, देखो दरवाजे पर कौन है। टाइम क्या हुआ है? सुबह के 9 बजे है। क्यों? वो केकड़ा होगा, ऑफिस जाने से पहले रोज यहाँ पर मत्था टेकता है ना, ये उसकी रूटीन है, और कोई काम तो है नहीं। अयो अयो, देखो देखो बाबा, हमें माफ करो, 2 भिखारी सुबह से आकर गए, तीसरा अभी आने वाला है। अगर हम लोग भीख देते रहे ना यूं ही, तो एक दिन खुद ही भिखारी हो जाएंगे। अब कौन है? केकू जी है क्या? नहीं, एक नया भिखारी आया है। ओ साहब, हम भिखारी नहीं है, हम फेस रीडर है। आपका चेहरा पढ़कर बता देंगे कि आपका भविष्य क्या है। अच्छा, तो पहले अपना चेहरा पढ़ो और ये बताओ कि आज तुम्हें रोटी नसीब होगी या नहीं। होगी, और वो भी तुम खिलाओगे। क्यों बहस कर रहे हो इस आदमी के साथ? इसे बोलो जाए यहाँ से। बहन जी, एक बार हमें आजमा कर देखिए, अगर हम झूठे साबित हुए तो एक भी पैसा मत दीजिए। जी नहीं, अगर आप झूठे साबित होंगे तो आपकी जेब में जितने पैसे हैं वो भी हम निकाल लेंगे। बोलो मंजूर? मंजूर है। अरे कमाल का कॉन्फिडेंस है यार। ठीक है, एक काम करो, हमारी नौकरानी का चेहरा पढ़ो और बताओ उसके, हमारी नौकरानी का चेहरा पढ़ो और बताओ इसके नसीब में क्या लिखा है। हाँ बोलो ना बाबूजी। हाँ। हमारे चेहरे पर क्या लिखा है? आप इस घर की मालकिन है और आप बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार है। हाँ। और आपकी फिल्म की बहुत ही जल्द गोल्डन जुबली होने वाली है। गोल्डन जुबली में? बैठी ना भाई साहब, बैठी ना पंडित जी, बाबा व्हाटएवर। इसका मतलब तड़पती जवानी की रिपोर्ट्स बहुत अच्छे, गोल्डन जुबली। लेकिन तुमने उसको बैठने को क्यों कहा घर में? He's a genuine man, गोल्डन जुबली। बाबा आप बताइए ना, और कितनी गोल्डन जुबली लिखी है मेरे चेहरे पे, बताइए। आपकी शादी गोविंदा से होगी फाइनली। आपकी शादी? हाँ। एक आलसू, मोटे और बेकार आदमी से हो चुकी है। सवाल सवाल के बात कर पंडित। आप क्यों नाराज हो रहे हो? आपका चेहरा तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। तो ये क्या, तेरे चाचा का चेहरा है? पंडित जी, बाबा जी, व्हाटएवर यू आर, आप मेरे पति का चेहरा पढ़िए ना प्लीज। ठीक है, पढ़ लेते हैं, बुलाइए उनको। ये है मेरे पति। ये आपका पति है? तो क्या तेरा पति हूँ? मुझे तो लगा तुम इस घर के बावर्ची हो। बाबा जी, आप पढ़िए ना मेरे पति का चेहरा प्लीज। चेहरा सीधा रखो, पढ़ने में दिक्कत होती है। तुम्हारी पत्नी एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार है और उसकी फिल्म की बहुत ही जल्द गोल्डन जुबली होने वाली है। जेन्युइन ही, सो जेन्युइन। इन्हें कैसे मालूम हुआ आपको? यहाँ से पढ़ो, यहाँ से, यहाँ से पढ़ो। लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से आज तक कोई सुख नहीं मिला। Okay, he's right. I think he's genuine. No, he's not genuine. यहाँ से पढ़ो पंडित जी, यहाँ से। वाह! क्या क्या? वाह! क्या? बहुत ही जल्द तुम्हें बहुत सारी धन प्राप्ति होने वाली है। अच्छा, अच्छा। लेकिन 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 क्या? लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे कोई आकर तुम्हें 3 बार सच्चे दिल से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहे। मैं कहती हूँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या दिया, क्या दिया, कहाँ है मेरा धन, कहाँ है मेरा धन? अरे घर वालों के, घर वालों के धन्यवाद कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा। बाहर के किसी आदमी ने तुम्हें धन्यवाद कहना पड़ेगा 3 बार। अच्छा, औरत भी चलेगी? चलेगी। फिर तो पड़ोस में ही काम हो जाएगा, पड़ोस में ही काम हो जाएगा। पंडित जी, आप चाय पियेंगे? नहीं, खाना खाऊंगा। चिंटू, दिलबरा अंकल, आप? गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बैड मॉर्निंग। क्यों बेटा? आप जो आ गए। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए कैसे कैसे आइटम लाया हूँ। एक एक आइटम के ऊपर तुम मुझे 3-3 बार धन्यवाद बोलोगे। पहले तो है ये चॉकलेट। मैंने चॉकलेट खाना छोड़ दिया है। क्यों? मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, ये देखो, ये फैंटम की कॉमिक। ये तो मैं हर रोज टीवी पर देखता हूँ। आगे आगे बेटा, आगे एक ऐसा आइटम है कि तुम अपने आप 3 बार धन्यवाद बोलोगे। ये देखो, ये है बैट और इस पर तुम्हारी लवली लवली प्रेमा आंटी के साइन भी हैं। देखो मेरे पास कपिल देव की साइन की हुई बैट भी है। कौन आया है चिंटू? अरे दिलरुबा जी, आप? कोकी जी, हा? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, हाउसवाइफ की ड्यूटी निभा रही हूँ, कपड़े इस्त्री करने हैं। मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे कपड़े क्यों इस्त्री करेंगे? अरे आपका बोझ हल्का हो जाएगा, फिर आप मुझे 3 बार धन्यवाद भी तो बोलेंगी। कहाँ है कपड़े? ये क्या,
इतना सारे? इसीलिए तो कह रही हूँ, रहने दीजिए, आप क्यों खामखा तकलीफ उठा रहे हैं? अब तकलीफ की कौन सी बड़ी बात है, एक अच्छा पड़ोसी दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। फिर आप मुझे तीन बार धन्यवाद भी तो बोलेंगी। ये तीन बार धन्यवाद का क्या चक्कर है? वो किसी ऐसा है कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि अगर कोई मुझे तीन बार धन्यवाद बोलेगा तो मुझे बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। हाँ, लेकिन वो धन्यवाद अंदर से आना चाहिए। तो ठीक है, मैं अंदर जाके बोलती हूँ। अंदर मतलब तहे दिल से धन्यवाद आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी आई हूँ। धोबी बना दिया हमको, स्त्री थमा दिया हमको। क्या है ये? मेरी चड्डी और सॉक्स प्रेस कर दो। ओकी, धोबी के यहाँ से मेरी पैंट स्त्री होकर आ गई। डैडी, धोबी खुद घर आ गया। राम राम बबुआ। राम राम भैया जी, कैसन हो? एकदम बढ़िया। अरे बबुआ, तुम्हारी सूरत तो बिल्कुल दिलरुबा जैसी दिखत है। ये नमूना कौन? अरे क्या कह रहे हो, ये तो दिलरुबा जी है। दिलरुबा का बच्चा मेरे कपड़ों को इस्त्री क्यों कर रहा है? कमाल है, आपको तो तीन बार धन्यवाद बोलना चाहिए। अरे मैं क्यों धन्यवाद बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। लीजिए, कैसे आसान फरमोश है। एक तो मैं इनका काम कर रहा हूँ, ऊपर से ये जी, आपने कैसे आदमी के साथ शादी की है? आपको तो ज्यादा बकवास की तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझा? केशव, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। बेचारे अच्छे मकसद से आए हैं। अरे इसका यहाँ आने का मकसद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। डैडी, आपकी पैंट जल रही है। कहाँ जल रही है? अरे बेटी, मैंने तो पायजामा पहना हुआ है। डैडी वो नहीं, ये पैंट। देखा कोकी, इस धोबी ने मेरी इकलौती पैंट जला दी। दिलरुबा जी, कोकी जी, मेरा कसूर क्या है? इन्होंने मुझे खुद बातों में लगा लिया। चुप्पे, बातों में लगा दिया? कोकी, इकलौती पैंट जल गई, अब मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा मियां घर आया, ओ राम जी। अबे ओ राम जी, क्या है मैं? मेरी कुर्सी पर क्यों बैठा है? खड़ा हो जा। गुड मॉर्निंग सर। अबे गुड मॉर्निंग के बच्चे, तूने फाइल गिरा दी है। अरे आप ही ने तो खड़े रहने को कहा था ना। कैसे कैसे नमूने भरे पड़े मेरे ऑफिस में। सर सर, आप ये सुबह सुबह टेढ़ी नजर से क्यों बात कर रहे हैं? अबे मेरी गर्दन अटक गई है। वड़कम लक्ष्मी है। ये क्या रहा सुबह सुबह चिल्लाने का? हमारा लुंगी छोड़ गया, काम करो काम करो। जोशी, ये कुलकर्णी को क्या हुआ? लगता है कुलकर्णी फैन डालना भूल गए। वो दूसरा नमूना कहाँ है? कौन? केशव का बच्चा? वो अभी तक आया नहीं सर। क्यों? कुछ देर पहले उसका फोन आया था, उसके कपड़े के कुछ लफड़े हो गए। क्या, मोहल्ले वालों ने उसके कपड़े उतार दिए कोकले? ये तो आप उसे ही पूछना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग सर। केशव, गुड मॉर्निंग केशव। गुड मॉर्निंग सर। अरे तुम ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या तुम बस स्टैंड पर भीख मांग रहे थे? सर आपको इतना भी पता नहीं, इसे लुंगी कहते हैं सर। तो आप इतने लुंगी पहन के क्यों आए भाई? मैं क्या करूं सर, मेरे पड़ोसी दिलरुबा के बच्चे ने इस्त्री करते करते मेरी इकलौती पैंट जला दी। तो ऐसे चले आते? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं निकाल। सर ये आपकी मुंडी को क्या हुआ सर? अबे कितनी बार बताऊं कि मेरी मुंडी अटक गई है। हेलो एवरीबॉडी। अरे आप ऑफिस में लुंगी में आए हैं? सर ये आपके दफ्तर ने क्या नागिल बेचने का धंधा भी शुरू किया है? ए दिलरुबा के बच्चे, फालतू जोक मत मार, मेरे बॉस को बता कि तूने मेरी इकलौती पैंट जला दी है। दिलरुबा ये सब कह रहा है क्या? हाँ बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मुझे तीन बार धन्यवाद कहना होगा। अरे मैं क्यों कहूँ, मैं नहीं कहूँगा। तो ठीक है, मैं भी नहीं बताता सर। मेरा इसकी पैंट से क्या सरोकार सर? मैं इसकी पैंट क्यों जलाऊंगा सर? ये तो खुद जलता है मेरे से। लेकिन दिलरुबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आया हूँ। अगर कोई मुझे आप में से तीन बार धन्यवाद बोल दे तो मुझे तो मज्जा आ जाएगा। क्या मज्जा आ जाएगा? क्या मज्जा आ जाएगा? बताता हूँ, मज्जा ये आएगा कि मुझे किसी ने कहा है, अगर कोई मुझे तीन बार तहे दिल से धन्यवाद बोलेगा तो मुझे बहुत बड़े धन का लाभ होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ तुम्हें तीन बार धन्यवाद। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? शर्मा साहब की गर्दन टेढ़ी हो गई है, उसे सीधा करना पड़ेगा। अभी लो, अभी लो। मजा आ गया सर, कैसा लग रहा है सर, मजा आया? मैं तो पीछे का भी देख सकता हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। खाली खाली दो बार और बोलिए सर धन्यवाद, खाली दो बार सर प्लीज। अरे भैया मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? तूने गर्दन और बिगाड़ दी, और बिगाड़ दी। डोंट वरी सर, मैं ठीक करके। अरे नहीं नहीं, अबे 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 तूने तो बिगाड़ दी,
पानी पानी पानी। मुझे लगता है इनका विंड पाइप और वाटर पाइप दोनों टूट गए। प्लंबर को बुलाना पड़ेगा। प्लंबर को, लेकिन सर मेरा मेरा धन्यवाद बाकी है सर। दो धन्यवाद बाकी है। प्लीज ना, मुश्किल है यार इस दुनिया में। भाई साहब, भाई साहब, ये एड्रेस कहाँ पे? ये हाँ? ये तो बड़ा इजी है। एक काम करो, यहाँ से आगे जाओ। हाँ जी। वहाँ एक लेफ्ट टर्न आएगा। हाँ, वहाँ से राइट ले लेना। हाँ जी। वहाँ से बहुत दूर जाके थोड़े पास है। हाँ जी। सुबह से ढूंढ रहा। अरे धन्यवाद तो बोलो। भाई साहब टाइम क्या हुआ? टाइम भैया 4:20:25 हो गए। 2 मिनट आगे है। अरे सुनो, धन्यवाद तो बोलो। पहले घड़ी ठीक कर। अरे कमाल, सुनो, हद है, कितने एहसान खरामोश है दुनिया आज की। भगवान के नाम में कुछ दे दो बाबा, इस गरीब में कुछ। धन्यवाद भाई साहब, कुछ दे दो बाबा। अरे वाह, उस आदमी ने भिखारी को 1 रुपया दिया तो इसने धन्यवाद बोला। यानी कि अगर मैं 3 रुपए दूंगा तो मुझे ये 3 बार धन्यवाद बोलेगा। भैया ये लो, 1, 2, 3। बोल बेटा, बोल बोल। क्या? धन्यवाद बोल बेटा, मैंने तुझे 3 रुपए दिए ना। क्यों, मैंने भीख मांगी थी आपसे? नहीं नहीं, भीख तो नहीं मांगी, लेकिन मैंने तुम्हें बिना मांगे दे दिए ना। भैया अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें 3 बार नहीं 30 बार धन्यवाद बोलता। बोलना बोलना। आपकी बात कुछ और है, हम इतने लाचार नहीं है के 3 रुपए में 3 बार धन्यवाद बोले। अरे कमाल का आदमी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। अरे यार ये तो हद हो गई। उस औरत ने तुम्हें 54 दी, तुमने 3 बार धन्यवाद बोला और मुझे 1 बार भी नहीं बोलते तुम। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं, लेकिन धंधे के एथिक्स, कुछ उसूल, कुछ कुछ तहजीब तो होती है ना। क्यों धन्यवाद के लिए इतनी भीख मांग रहा है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुकी, कोकी, क्या बात है गंगा मौसी, आज तो दोपहर को भी आ गई तुम। कोकी, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? है, हाँ, लेकिन तो... तुम्हें उधार देने के लिए नहीं है। क्या कोकी, तुम भी 100 रुपए जैसी मामूली रकम याद रखती हो? मैं 100 रुपए याद नहीं रखती हूँ, लेकिन 100-100 इकट्ठा होके जब 1000 हो जाते हैं ना तो मैं उन्हें भूल नहीं पाती। लेकिन इस वक्त तुम मुझे उधार नहीं दे रही हो तो? उसके बदले में मैं ये लॉटरी का टिकट तुम्हें दे रही हूँ। लॉटरी का टिकट? हाँ, अगर तुम्हारे नसीब का ताला खुल गया तो इसके बदले में तुम्हें पूरे 5 लाख मिलेंगे। क्या करूँ कोकी, जब से मैंने ये टिकट खरीदा है ना, उस 5 लाख के बंटवारे को लेकर मेरे घर में इतने झगड़े हो रहे हैं। तो तुम किसी को बेच डालो ये टिकट। कोकी, तुम इतना भी नहीं जानती कि ड्रॉ के पहले लॉटरी के टिकट की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, हाँ ये बात है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ बेचकर ये टिकट। वो कैसे? टोपी पहना कर। कोकी जी, आ गई टोपी, आ गई टोपी। तो पहन के नहीं आया, पहन के आओ। नहीं, हम पहनाएंगे आपको। अच्छा, दिलरुबा जी, आखिर क्या हुआ, किसने 3 बार तो आपको धन्यवाद दिए कि नहीं? नहीं कोकी जी, मैंने एक भिखारी को इतनी बड़ी भीख दी, उसने फिर भी मुझे 1 बार भी धन्यवाद नहीं बोला। अरे वो क्यों धन्यवाद बोलेगा आपको? भीख मांगना तो उनका पैदाइशी हक है, वो हमारे देश का 2रा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मुझे नहीं मालूम था कि हमारे देश में 3 बार धन्यवाद लेना इतना मुश्किल काम होगा। लेकिन दिलरुबा जी, सपोज आपको किसी ने 3 बार धन्यवाद कह दिया तो भी आपके पास धन आएगा कहाँ से? कौन से माध्यम से? क्या मतलब? मतलब ये कि धन आकाश से तो नहीं टपकने वाला? नहीं। तो फिर कैसे आएगा? आपका कोई धनवान चाचा है जो मरने वाला है? नहीं कोकी जी, मेरे सभी चाचे मामे ताए कर्ज में डूब कर मर चुके हैं। वही तो पूछ रही हूँ कि आपके पास फिर धन आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से, धन आएगा कहाँ से, धन। कोकी जी, एक आइडिया है। क्यों ना मैं एक अच्छा सा लॉटरी का टिकट खरीद लूँ। हाँ, लेकिन टिकट खरीदने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए लॉटरी का टिकट। कोकी जी, यू आर सो ब्रिलियंट, रियली ग्रेट। 100 रुपया? इसका 100 रुपया? हाँ। टिकट का? हाँ। इस पे तो 5 लिखा है। वो तो ऐसे ही लिखा है। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। सॉरी, थैंक यू। तुम ट्राई करके देखो, मेरे तू एक नहीं मानेगा। Of course, anytime. केकू जी मुझे कभी ना नहीं कह सकते।
हेलो, कौन है? केक जी, मैं प्रेमा बोल रही हूँ। प्रेमा जी कहिए, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ केक जी। केक जी, आप मेरे लिए काम करेंगे? अरे, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। नहीं नहीं, मुझे वो फालतू चीजें नहीं चाहिए। आप मेरे लिए दिल को 3 बार धन्यवाद कह देंगे प्लीज? जरूर कहूंगा प्रेमा जी, जरूर कहूंगा। ओके, ओवर टू दिल। मैंने तुम्हारा काम कर दिया केकु जी, तुम्हें 3 बार धन्यवाद कर। थैंक यू डॉल, थैंक यू। सत्यानाश हो तेरा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे कमाल है, यहाँ तो धन्यवाद की बजाय गालियां पड़ रही हैं। अरे क्या कर रही हूँ? सुनो, धन्यवाद। ए जट दिल, 3 बार धन्यवाद कह रहे हैं केकु जी। अरे क्या कर रही हो? मैं तेरा गला दबा लूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। अरे कमाल है, गालियां पड़ रही है यार। फोन रख दो, चलो। इंस्पेक्टर जोशी, ये आप यहाँ गार्डन में किसी का इंतजार कर रहे हैं सर? नहीं, ऐसे हवा खाने बैठा हूँ। बैठे बैठे कहाँ सर, आप तो खड़े हैं। बैठे तो चेयर लाऊं? नहीं तो कोई स्टूल, कोई मूड़ा शूड़ा? नहीं, मूड़ा शूड़ा चुपचाप बैठ रहे यार। हमें अभी खबर मिलेगी यहाँ से एक बदमाश गुजरने वाला है। अच्छा, और वो बदमाश ने आपको फैक्स करके अपना आज का प्रोग्राम बता दिया कि पुलिस भैया मैं इतने बजे यहाँ से गुजरूंगा, मुझे आके फट से पकड़ लेना। हो गया, चुपचाप चले जाओ वरना गलती से गोली तुम्हें लगेगी क्या? तो 2-3 साल से मेरे पिस्तौल नहीं चले, चुपचाप बैठ। सर, ये बदमाश को पकड़ने में मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, जरूर। क्या करूँ सर, क्या करूँ? एक काम करो, घर पे जाओ। क्या सर, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से बोलता घर पे जाओ। सर देखिए, हम इसे कोई भी ऐसा काम कराइए जिसकी वजह से आपको मुझे बाद में 3 बार धन्यवाद बोलना पड़े। ना सर, कोई भी काम। अरे वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही कहता हूँ यार, प्लीज घर पे जाओ ना यार। क्या सर, सब पुलिस वाले खुद ही पहले बोलते हैं कि पब्लिक को पुलिस की हेल्प कर रहे हैं। अरे चुपचाप बैठो यार, तुम्हारी वजह से मेरा बदमाश भाग गया। देखो यार, भाग गया फिर क्या? सर मैं उसको पकड़ो। ओके सर। पकड़ लिया, गोली मारिए। कई गोली उसको, तेरी वजह से मुझे गोली खानी पड़ी। गोली लग गई रे उसको। हमारे और पुलिस के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश क्यों की? लग गई गोली। क्या लग गई गोली? गोली मुझे लग गई, आपने इसको मारनी थी, मुझे मार दी सर। गोली आपको लग गई? मैंने इससे पहले कहा था घर पे जाने को, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानता। अरे सर, आप इससे बातें कर रहे हैं, इसको गिरफ्तार कीजिए ना। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हाँ तो करो ना, मेरे मुंह पे क्या दिख रहा हो? चल। सर, मुझे 3 बार धन्यवाद बोलिए प्लीज। किस लिए? अरे कमाल है, मैंने गुंडे को पकड़ा, गोली खाई। अरे वो तो तुम्हारा फर्ज था। क्या हुआ? मर गया ना सर, गोली लगी ना। घबरा नहीं, कोई बात नहीं, वो गोली नकली थी। रियली? थैंक यू सर। गुंडा। अरे हो गया। अरे ओ, I'm sweet 16, I'll never be 17, I'll always be beautiful. Leo, ये बैंगन की तरह क्यों मुंह फुला रखा है तुमने? Oh, I understand. आज भी तुम्हें धन्यवाद नहीं मिला? That's okay. तुमने अब तक क्या कमाया है जो अब तुम्हें धन प्राप्ति होगी? डॉल, अगर मुझे वो जोशी का बच्चा कहीं मिल जाए ना, तो उसके हाथ पांव तोड़ के उसके मुंह में डाल दूंगा मैं। By the way, तुमने उस जोशी को कुछ पैसे वैसे दिए कि नहीं? किस बात के? तुम्हारा थोपड़ा पढ़ने के। नहीं नहीं, वो तो मैंने उसको कहा था कि अगर मुझे धन की प्राप्ति होगी तो उसको मैं 2-4 रुपए दे दूंगा। Idiot! अगर तुम उसे पैसे दे देते, उसकी फीस दे देते, तो शायद वही तुम्हें सच्चे दिल से थैंक यू कह देता। अरे आइए पंडित पाजी, आइए। मैं पाजी नहीं हूँ। नहीं, पाजी मतलब पापा जी, पंडित पापा जी। कहिए श्रीमान, आपको धन प्राप्ति हुई कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं हुई, लेकिन लगता है कि आज आपको हो जाएगी। कैसे? मैं आपको आपकी फीस जो दूंगा। सुबह तो मेरा चेहरा बता रहा था मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा, यहाँ तो सामने से धन आ रहा है। एक्सक्यूज मी, आप ऐसा क्यों नहीं करते, किसी फेस रीडर के पास जाइए और अपना चेहरा पढ़वा लीजिए। आपको नहीं सर, आपको नहीं। थैंक यू, व्हाट अ ब्रिलियंट आईडिया। ये लीजिए, आपने मेरा चेहरा पढ़कर जो पूरे समाज में मेरी खिल्ली उड़ाई है, उसके लिए आपकी फीस ये रखिए। क्या? अच्छा, ये भी, ये रखिए।
ये भी? Oh my God, ये लीजिए पूरा रखिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि फिल्म वालों से पैसे मिल सकते। मेरा तजुर्बा तो कुछ और ही है। Excuse me, आपका क्या तजुर्बा है फिल्म वालों के साथ? ये जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं ना, हाँ? वो फिल्म शुरू करने से पहले हाँ? तो मुझसे अपना चेहरा दिखाकर भविष्य जान लेते हैं। हाँ? अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो मुझे गालियां देते, मारने आते हैं। अगर फिल्म हिट हो गई तो भाग जाते हैं। एक्सक्यूज मी, अब तो आप जान गए हैं कि सब फिल्म वाले ऐसे नहीं होते। मैडम, मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ ना। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते का मतलब क्या हुआ? धन्यवाद बोलिए ना तीन बार। किस बात के? अरे कमाल, मैंने आपको आपकी फीस दी है। हाँ, तो मेरे काम करने के पैसा दिया है ना, उसमें धन्यवाद क्यों बोलो? मतलब आप धन्यवाद ही बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे तो पैसे वापस लाओ। अरे मगर सुनिए, अरे काम ही करो। यजमान मेरी बात सुनिए, यजमान मेरी, अरे भविष्य देखा ना मैंने। आज तो दिलरुबा जी के लॉटरी का रिजल्ट आया होगा। पंडित के बच्चे, मैं बात सुनो। अरे क्या बात सुनूं, कोई लाभ नहीं होने वाला मुझे। किसी ने मुझे धन्यवाद नहीं बोला, यहाँ तक कि भिखारी ने भी नहीं बोला, नाई ने भी नहीं बोला, और तो और कुत्ता भी बिना भौंके हुए चला गया। तो फ्रॉड है, फ्रॉड। नहीं नहीं, मैं आज तुम्हें कहता हूँ कि आज तुम्हें अवश्य धन लाभ होगा, होगा, होगा। अच्छा, तू मुझे तीन बार धन्यवाद बोलता है क्या? बोलता है क्या? अरे मैं नहीं बोल सकता। तू नहीं बोल सकता, बाकी दुनिया बोलेगी मुझे, तू नहीं बोल सकता। फ्रॉड कहेगा, पछताएगा, बहुत पछताएगा। क्या हुआ दिलरुबा जी? ये लीजिए अपना लॉटरी का टिकट। मेरी किस्मत में धन का लाभ है ही नहीं कोई। अरे लेकिन पहले रिजल्ट तो देखते हैं। अरे अब जो भी रिजल्ट होगा वो आपका, आप ही रखिए। अरे उस पंडित के बच्चे ने मुझे धन्यवाद नहीं बोला तो और भला कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? दिलरुबा जी, धन्यवाद आपको मैं देती हूँ, वो भी तीन बार। अच्छा? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आपने मुझे जो लॉटरी का टिकट दिया है उसका ड्रॉ खुल गया है, पूरे 5,00,000 मिल गए मुझे। पंडित जी,